स्टूडेंट्स देर इज़ समपन इन प्रीवियस वीडियो बिकॉज वी वे आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू अबाउट दिस क्वेश्चन द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोआर्डीनेट्स टू कोआर्डिनेट्स टू माइनस फोर विद द हेल्प ऑफ दिस डाइग्राम हमको बताना है कि टू माइनस फोर किस पॉइंट को रिफर कर रहा है जैसे यहाँ पर देखें एक्स इक्वल टू टू and y equal to -4 2 minus 4 this point is the g so its answer is here g you can write g so with the help of this diagram you can give the answer of these questions now we shall discuss about the next topic plotting a point in the plane if its coordinates are given this is the important point of this chapter how to plot a point किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर में कैसे प्लाट करेंगे अगर उसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है तो बट बिफोर दैट हियर इज वन इम्पॉर्टेंट रिमार्क दिस इज द हाइलाइटेड हियर नाउ सी यू कैन सी हियर इन दिस कॉपी इफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स अगर ये दोनों नंबर x और y अलग अलग डिफरेंट नंबर हैं तो कभी भी ये पेयर इक्वल नहीं होगा ऑर्डर पेयर अगर उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो पेयर भी दूसरा हो जाएगा दूसरे दूसरे पॉइंट को ये लोकेट डिनोट करेगा ओके okay? सो so, ये रिमेंबर आपको याद रखना है यहाँ पे. फॉर एक्ज़ाम्पल फाइव टू फाइव टू एंड टू फाइव ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते बिकॉज टू इज़ नॉट इक्वल टू फाइव टू मीन्स एक्स वाई फाइफ इक्वल टू वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन दिस पेयर इज नॉट इक्वल टू दिस पेयर और अगर इसका उल्टा अगर ये पेयर इक्वल हो गया तो ये कब संभव होगा कब पॉसिबल होगा जब ये दोनों नंबर इफ एक्स इक्वल टू वाई तो इसको याद रखना है कभी कभी वन मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ देता है नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 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 थ्री पॉइंट थ्री इन द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच क्वार और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ दाइ एंड ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाई लोकेटिंग दम ऑन द कार्टीजियन प्लेन यहाँ पूछा कि पॉइंट हमको दिया हुआ वन टू थ्री फोर फाइव पूछा है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे या किस एक्सिस में आएंगे और इसको वेरीफाई करना है ग्राफ पेपर में प्लॉट करके सो हियर यू कैन सी इट्स आंसर नाउ पहले तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा जिसे पहला पॉइंट दिया है उसमें टू माइनस फोर लाइक दिस ए उसको कुछ पॉइंट्स नेम आप दे सकते हैं ए माइनस टू फोर लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है क्योंकि पहले का साइन माइनस दूसरा प्लस माइनस प्लस ये किस साइन रूल को अगर देखेंगे आप पीछे से तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा बी दूसरा पॉइंट दिया थ्री माइनस वन दिस पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आते हैं उसका साइन क्या होता है प्लस माइनस पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव प्लस माइनस हियर सी माइनस वन जीरो यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट इसका जीरो हो गया है इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा x एकस, एक्सिस पे ये क्वार में नहीं आएगा एक्सिस पे आएगा कभी भी अगर उसका कोई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो वो किसी न किसी एक्सिस में आएगा या तो x में आएगा या y पे ओके सो वन टू फर्स्ट क्वारेंट बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव माइनस थ्री माइनस फाइव दैट इज़ इन द थर्ड क्वार और बोला कि इसको ग्राफ पेपर में भी आपको प्लॉट करना है दिस इज़ द प्लाटिंग इस तरह से आप इसको यहाँ से वीडियो के थ्रू जा सकते हैं देख सकते हैं इसका आंसर हेयर पॉइंट ए पॉइंट ए सेकेंड क्वाडेंट यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वाडेंट बोला था न ए माइनस टू फोर हेयर पॉइंट ए माइनस टू और ऊपर जाएंगे फोर पेयर इधर फोर ओके बी बी दिया है थ्री माइनस वन तो यहाँ पे देखिए B पॉइंट थ्री एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन इस तरह से क्लियर है C माइनस वन जीरो सी इक्वल टू माइनस वन जीरो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आएगा माइनस वन पे ये है जीरो माइनस वन एक्स एक्सिस पे माइनस वन और y कोऑर्डिनेट आर्डिनेट जीरो होगा तो यहीं पे आ जाएगा ये पॉइंट माइनस वन ज़ीरो ओके तो इस तरह से ग्राफ पेपर में आप सारे पॉइंट्स को इनको प्लॉट भी कर सकते हैं देख सकते हैं कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रही है जो आप आंसर दिए हैं तो ये ये भी लिखना है और ये ग्राफ पेपर में इसको ड्रा भी करना है इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी आपको ड्रा करना है यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया हुआ एक्स वाई पहला पॉइंट माइनस टू एट दूसरा माइनस वन सेवन ये कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कोऑर्डिनेट्स हियर फर्स्ट ऑफ़ ऑल बोले थे कि आप पहले उसको नंबर ऐसे दे सकते हैं पहले इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट्स ए बी सी डी ई फाइव पॉइंट्स और फिर उसको प्लॉट भी करना है प्लॉट करने के लिए फिर से ये आप ग्राफ पेपर में देख सकते हैं इसको इस तरह से पहला पॉइंट इसमें एक पॉइंट में देखिएगा ये दिया तीसरे में ज़ीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव ये डिशमल फॉर्म में दे दिया है तो इसको देखिए यहाँ पे स्पेशली हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं ज़ीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव तो इसमें ज़ीरो एक्स इक्वल टू ज़ीरो सॉरी यहाँ पे आएगा ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर आएगा एक्स इक्ल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव यहाँ पे हाफ का भी हाफ वन पॉइंट टू फाइव एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग स्टेप यहाँ पे नहीं होगा ये ये पॉइंट यहाँ पे आएगा सी दिस पॉइंट लाइक हियर ज़ीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव बिकॉज इट्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो जब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो वो पॉइंट कहाँ पे आता है वाई एक्सिस पे आता है और कहाँ पे आएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव मतलब वन और ये फाइव हो गया मोटी लाइन यहाँ पे इसके बीच में हाफ में तो यहाँ पे आएगा तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ पॉइंट सी इसी तरह से आप फाइव पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी इसको आप बाद में पॉज करके देख लीजिएगा सो नाउ यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो